प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा कर दी। वहीं लॉकडाउन पार्ट 2 के तहत सोमवार से कई राज्यों जिलों में विशेष छूट दी गई। बाड़मेर में भी गुरुवार को कई उद्योग दुकानें रिपेयरिंग सहित कई दुकानें खुली नजर आई। साथ ही नियम विरुद्ध दुकानें खुलने पर प्रशासन व पुलिस ने इन दुकानों को पुनः बंद करवाया। वहीं सदर बाजार स्थित पुरानी सब्जी मंडी में ज्यादा भीड़ होने के कारण प्रशासन व पुलिस ने सब्जी मंडी को पुनः बंद करवाया। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते लेकर देश भर में 3 मई तक लॉकडाउन घोषित किया गया। हालांकि जिन क्षेत्रों में स्थिति सुधार हुआ एवं कोरोना मरीज ना के बराबर रहे, वहां मॉडिफाइड लॉकडाउन घोषित करते हुए कुछ दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई। लॉकडाउन के 32वें दिन गुरुवार को बाड़मेर के बाजारों में सन्नाटा पसरा नजर आया। हालांकि मॉडिफाइड लॉकडाउन खाद्य सामग्री के अलावा चश्माघर, बेकरी, कूलर रिपेयरिंग, पार्ट्स स्पेयर समेत रिपेयरिंग की दुकानें खुली नजर आई और इन दुकानों पर इक्के दुक्के ग्राहक भी नजर आए। गौरतलब है कि बाड़मेर में कोरोना मरीज नहीं होने के चलते सोमवार से ही मॉडिफाइड लॉकडाउन घोषित हो गया था और कुछ दुकानदारों को राहत मिली और दुकानें खोलने की अनुमति मिल पाई। मॉडिफाइड लॉकडाउन के 4th दिन गुरुवार को रसद सामग्री की दुकानों के अलावा सब्जी, फल फ्रूट की दुकानें भी खुली नजर आई। वहीं शहर भर के कई इलाकों में सब्जी के ठेले नजर आए। कोरोना कह रहे हैं लॉकडाउन के चलते बाड़मेर में पिछले 1 महीने से धारा 144 लागू है। वहीं लॉकडाउन की पालना को लेकर जिला प्रशासन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आमजन को घरों में रहने की अपील कर रहा है। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक शक्ति भी बरती जा रही है, जिसके चलते आवश्यक दुकानों के अलावा शहर भर में सन्नाटा पसरा नजर आया। बाड़मेर में मॉडिफाई लॉकडाउन लागू होने के बाद सादर बाजार स्थित पुरानी सब्जी मंडी को खोलने की इजाज़त दी गई थी। सब्जी मंडी के खुलने के साथ ही वहां सोशल डिस्टेंसिंग की पालना न होने के साथ भीड़ में भी बढ़ोतरी हो रही थी, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने दुकानदारों को हिदायत भी दी थी। लेकिन दुकानदारों एवं यहाँ आने वाले ग्राहकों ने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं की, जिसके चलते जिला प्रशासन ने आगामी आदेशों तक सदर बाजार स्थित पुरानी सब्जी मंडी को बंद कर दिया।